हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमल स्टूडेंट मेकओवर्स। और गाइस, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही मच अवेटेड और मच रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत 2018 में की थी। सिंस देन मुझे उस टाइम ज़ीरो नॉलेज थी, फिर मैंने लर्न किया ऑनलाइन, प्रैक्टिस की, एंड देन मैंने बॉम्बे से फाइनली कोर्स अपना कंप्लीट किया। एंड नाउ आई कैन से दैट आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। बट मेकअप आर्टिस्ट्री की कोई भी लिमिट नहीं होती है लर्न करने की। और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यूज़, मैंने चैनल क्रिएट किया अपना, तो मैं उस पर भी रिव्यू पोस्ट करती रहती हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मुझे रिव्यू पोस्ट भी करने हैं। और मेकअप का एंडलेस शॉपिंग रहती है, कोई भी लिमिट नहीं है। मैं हमेशा ही परचेज करती रहती हूँ और न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करती रहती हूँ। फील्ड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है हमेशा, नए क्लाइंट्स, नई स्किन टाइप, नई प्रॉब्लमेटिक स्किन या नई अच्छी स्किन मुझे मिल जाती है। मेकअप की टेक्निक्स भी चेंज होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस बैग में इकट्ठा की हैं, वो आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। सो मैं अपनी प्रोफेशनल वैनिटी को कैसे मेंटेन करती हूँ, उसमें कौन कौन से इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स हैं। सो वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाली हूँ। वीडियो बड़ा हो जाएगा मगर आप प्लीज़ देखिएगा, मैंने आपके लिए बनाया ताकि आपको भी नॉलेज हो जाएगी। एंड ऑफकोर्स इसका पार्ट सेकेंड भी मैं कल पोस्ट कर दूंगी, उसमें मैं हेयर से रिलेटेड जो भी एसेसरीज है, जो कुछ भी है हेयर्स का, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को ऑलराउंडर होना पड़ता है, दोनों चीज़ें करनी होती हैं साइमल्टेनियसली, तो वो सारे कौन से मैं पाउडर, कौन से स्प्रेज, कौन सी हेयर एसेसरीज यूज़ करती हूँ, कहाँ से मैंने ली हैं, कौन सी मशीन्स मैं रखती हूँ, कैसे रखती हूँ, कैसे लेके जाती हूँ, तो वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी पार्ट टू में। एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं जब हम लोग जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग करते हैं मेरी तरह, तो उनको क्या क्या लेके जाना होता है, ये सारा मैं पार्ट टू में डिस्कस करूंगी। सो अभी मैं आपको पार्ट वन में सिर्फ और सिर्फ मेकअप का बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, मैंने फिलहाल अपने एक्सपीरियंस से जो मैं वैनिटी अब मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना होता है एंड ऑलमोस्ट मैं विलेज में हर जगह ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स का कोई वो नहीं है। मैं कभी फाइव स्टार होटल में भी जाती हूँ, कभी नॉर्मल किसी के घर भी जाती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। सो मैंने बजट अकॉर्डिंग मैं कस्टमाइज भी कर देती हूँ अपना मेकअप, लेकिन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं सबके ऊपर ही अच्छा प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, तो वो सारा कुछ मेरी इस वैरायटी में है। सो मैंने क्या किया है कि मैंने इस तरीके का एक ट्रॉली बैग लिया है, और ये देखिए मैं आपको शो करती हूँ, ये स्काई बैग का है, जैसे ब्लू है पीछे, ये ग्रीन है। मैं थोड़ा बैक हो जाती हूँ तो आपको दिखेगी मेरी वैनिटी। एंड ऑफ कोर्स ये इस तरीके से है, तो मैं इसको ड्रैग भी कर लेती हूँ, वेस्ट लगी हुई है इसमें। सो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अब मैं फाइनली इसको ओपन करती हूँ और मैं आपको शो करती हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स फिलहाल मेरे पास हैं, क्योंकि बहुत सारे ख़त्म हो गए, बहुत से मुझे स्टॉकिंग भी करना है, तो वो सारा कुछ है। सो मैं अब आपको फाइनली शो करती हूँ। सो गाइस, मैंने अपनी ट्रॉली ऑलरेडी ओपन कर ली है, और इसमें कुछ ऐसे है कि एक एक प्रोडक्ट अलग अलग पाउच में तो नहीं है, रिलेटेड है। जैसे कि हमें स्किन प्रेप करनी होती है और स्किन केयर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने एक पाउच में कर रखे हैं, और ऐसे ही लिप्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक पाउच में, इस तरीके से। तो जो भी मेरे हाथ में आता जाएगा वो सारा मैं आपको शो करती जाऊँगी, साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैंने कहाँ से क्या परचेज किया है। और किसी भी प्रोडक्ट का गाइस अगर आपको रिव्यू चाहिए होगा, सो प्लीज़ आप पेपर पेन लेके बैठे, या आप वीडियो को देखते देखते कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हैं कि आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, तो वो भी मैं आपको ज़रूर से शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। सो सबसे पहले मेरा एक ये ट्रांसपेरेंट पाउच है, आप देख सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा है। ये पाउच मैंने बॉम्बे से परचेज किया था, और इसमें रिलेटेड टू कि स्किन को जो सीटीएम करने के लिए नीड होती है वो, और जो भी स्किन प्रेप करने के लिए नीड होती है, और हमारा एक बेस हो गए, फाउंडेशन हो गए, एवरीथिंग, ये सब कुछ इसमें मैंने स्टोर करके रखा है। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं एक एक प्रोडक्ट आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो इसमें माइट भी ये हो सकता है कि ये सीक्वेंस वाइज नहीं चलेगा, कि टोनर के टाइम टोनर ही मेरे हाथ में निकल आए और क्लेंजर निकल आए, मतलब लाइन वाइज नहीं चलेगा, बट मैं आपको शो कर दूंगी तो आपको नॉलेज ज़रूर हो जाएगी। सो मैं इसको ओपन कर लिया मैंने। सो अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जो मेरे हाथ में आई है ये आई है ये मिक्सिंग पैलेट ट्रे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी और इसका मैंने बनाया भी था, और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि वाई दिस इज़ नीडेड, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए। सो ये मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो एज यूजुअल आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, और आगे आपको वीडियो भी मिल जाएगा।
मैंने ये नायका से ऑर्डर किया था वंडरलस्ट, ये बॉडी लोशन है, ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है और बहुत अच्छा बॉडी लोशन है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट्स को। और मैं साथ साथ क्या करूँगी कि आपको बताऊँगी कि मैं किस लिए क्या प्रोडक्ट रखती हूँ, क्या उसकी नीड है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए रखती हूँ कि उनके हैंड्स को और बैक को सबको अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर सकूँ। मैं यही यूज़ करती हूँ करंटली, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुकी हूँ, तो करंटली मैं यही यूज़ करती हूँ बिकॉज हमें एज पर सीज़न वेदर सब कुछ चेंज करना रहता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये लिया है। और बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं जिन्हें चूड़ा पहनना होता है, चूड़ियाँ पहननी होती हैं, तो उनके हाथ बहुत ही टाइट होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग रहता है और अच्छा शाइन भी देता है। नेक्स्ट है ये माइसेलर वाटर गार्नियर का मैंने मंगाया था और इसका भी मैंने रिव्यू पोस्ट कर रखा है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं इतना हो गया है, काफ़ी अच्छा है ये भी, मैं इसको यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट ये पिक्सी का एक्सफोलिएटिंग टोनर है, ग्लो टॉनिक टोनर, इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया है। और ये नॉर्मल AM/PM स्किन पे ऐसे नहीं यूज़ होता है, डेली बेसिस पे नहीं होता है, सारा डिटेल्ड वीडियो आपको वहीं पे मिल जाएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को चेक कीजिएगा। और नेक्स्ट एक ये है गुड वाइब्स का ग्लो टोनर विटामिन सी का, ये पर्सनली फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, बट अगर मैं कभी जाती हूँ तो मैं लेके चली जाती हूँ क्योंकि एक चीज़ इनफ नहीं होती है, हमें कई चीज़ें रखनी होती हैं स्किन के हिसाब से। तो ये विटामिन सी का एक ग्लो टॉनिक है, काफ़ी अच्छा है, इसका रिव्यू मैंने पोस्ट नहीं किया, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। और ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये अभी इतना ही बचा है, मैं उसको ऑलमोस्ट यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था। नेक्स्ट मैंने गुड वाइब्स का ही ऑलिव फ्लेवर में इनका ये मेकअप क्लेंजिंग लोशन है, करंटली मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है ये भी। और नेक्स्ट मेरे पास ये रेन्यू का लेंस सॉल्यूशन है, मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ लेंसेज बिल्कुल भी, लेकिन यस अगर क्लाइंट को लगवाना है तो ऑब्वियसली मैं उसको अपार्ट फ्रॉम कि लेंस सॉल्यूशन जो लेंस होता है डिस्कार्ड हो जाता है, वो वन टाइम यूज़ होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं पार्टी या ब्राइडल मेकअप पे, बट ऑफकोर्स उसको भी मैं अप्लाई करने से पहले उसको वॉश करती हूँ, तो मैं यही सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ पर्सनली। मैं जो ईयरली लेंसेज यूज़ करती हूँ उस पर भी मैं यही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है ये फ़ैन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटरी वाले फ़ैन में मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है और वो भी मुझे थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता है, ये मुझे बहुत सिंपल सा लगता है, तो ये मैं लेके चलती हूँ क्योंकि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाती है बेस वगैरह को या किसी भी चीज़ को ड्राई करने की सीटियाँ वगैरह, तो मैं करती हूँ। नेक्स्ट है ये मैक का प्रेप प्लस प्राइमर, ये बहुत ही अमेजिंग है, इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसमें ये पिंक वाला जो है, यहाँ पे जो ये पिंक कलर का होता है बेबी पिंक, मैं ये लिया हुआ है, सॉरी, एंड इसमें येलो भी आता है बट ये थोड़ी सी शाइन देता है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने ये लिया था। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये है ब्लू हेवन का प्रेप प्लस पिक्सटो कर, मैं अपने ऊपर ही यूज़ कर लेती हूँ और ये अभी इतना ही बचा हुआ है, ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो ये भी इसके रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छे, मैंने इसका वीडियो पोस्ट किया है रिव्यू, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये ईबा का नेल पेंट रिमूवर है, ये भी मैं रखती हूँ, नेल पेंट्स तो करंटली मेरे पास नहीं है, शायद मेरे ड्रेसिंग टेबल में पड़े होंगे, दो या तीन थे, तो मैं इसको भी रखती हूँ क्योंकि क्लाइंट्स को ज़रूरत होती ही है नेल पेंट चेंज करने की। नेक्स्ट है मेरे पास ये मेकअप स्टूडियो के दो लूज पाउडर्स, और इसका मैंने रिव्यू पोस्ट नहीं किया है, इंशाल्लाह वो मैं जल्दी ही करूँगी, ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है। ओके, और डिटेल्ड वीडियो मैं शूट कर दूँगी इफ़ यू वांट, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे और ये काफ़ी बड़े थे, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, ये वाला तो बहुत ही कम यूज़ हुआ है, तो अभी तक ये मेरे चल रहे हैं, सो मैंने अभी इतना इन्वेस्ट किया इसमें। नेक्स्ट है कि मैं कॉटन ज़रूर रखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मेकअप स्टूडियो के अगेन मेरे पास दो बेस है फिलहाल, वन इज़ दिस और अनदर भी मेरे पास था, वो भी मुझे मिल नहीं रहा है, जैसे ही मिलता है तो मैं आपको शो करती हूँ। सो या मेरे पास दो बेसिस हैं मेकअप स्टूडियो के, वन इज़ वार्म बेज एंड नेक्स्ट वन इज़ क्रीमी, ये दो हैं, काफ़ी अच्छे हैं इनका रिजल्ट। और नेक्स्ट ये स्टैंड है मेरे ब्यूटी ब्लेंडर को होल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं पूरी वैरायटी अपनी डेकोरेट कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं करती हूँ, तो ब्यूटी ब्लेंडर का मिड में भी बहुत काम होता है, तो उसके लिए स्टैंड मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। नेक्स्ट है मेरे पास टार्ट के दो कंसीलर्स हैं मेरे पास, एक 22N है, आई कैन क्लियरली रिमेम्बर क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ अपने ऊपर, एक 35N है, फेयर एंड मीडियम, मैंने दो ही अभी शेड्स लिए हुए हैं, ये मैंने बॉम्बे से लिए थे, एंड मैं वीडियो
एज यूजुअल मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ नहीं शेयर किए हैं, तो वो मैं डेफिनेटली करूँगी। आज मैंने वैरायटी ओपन कर दी है, तो जो भी प्रोडक्ट्स की रिव्यूज़ मैंने नहीं पोस्ट किए मुझे याद आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। बट अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, सो मैं इसलिए रिव्यू नहीं बता रही हूँ। बट अगर आपको पर्टिकुलरली किसी का चाहिए है, सो आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा कॉमेंट में। अगर मैंने उसको ऑलरेडी शूट किया होगा, सो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, अदरवाइज मैं शूट करके डेफिनेटली बनाऊँगी। नेक्स्ट मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर है, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास ये लैक्मे का लूमी क्रीम है, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो मेरे पास ये है। एंड आई एम अ बिग लवर ऑफ स्ट्रोक क्रीम, तो मेरे पास ये मैक की छोटी वाली है स्ट्रोक क्रीम, ओके। एंड इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, पिंक वाली है, काफ़ी अच्छी है इसके रिजल्ट्स भी। नेक्स्ट मेरे पास ये मेकअप फिक्सर है एलोवेरा वाइटमिन ई स्विस ब्यूटी का, ये है। एंड मेरे पास ये मेकअप फिक्सर है फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो, ये भी है। नेक्स्ट फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉइस्चराइजर के तौर पे ईपा का स्किन लाइटनिंग क्रीम, काफ़ी अच्छी है। इसका रिव्यू भी मैंने पोस्ट किया है, बट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी इसमें नहीं लगी, क्योंकि ये इस वेदर में काम नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। इंस्टेंट फेयरनेस तो देती है, बट ड्राई बहुत करती है स्किन को, ड्राई स्किन वालों में बिल्कुल नहीं जाती जैसे कि मेरी। सो मैंने भी और मॉइस्चराइजर और बहुत सारा सामान, अभी पर्पल पे सेल चल रही थी, नायका पे चल रही थी, तो मैंने ऑर्डर किया है, ऑन द वे है, अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। सो उसका मैं एक शॉट ज़रूर अपलोड कर दूंगी, सो आप देख सकते हैं कि मैंने मैंने क्या और क्या क्या ऐड किया है। नेक्स्ट कुछ इस तरीके के टिश्यूज और ये हो गए, और मेरे पास ये कॉटन पैड्स भी हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये है इन लॉट का जूरा लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हर मेकअप आर्टिस्ट के लिए, और इसके जो यूजेस हैं वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी अपने चैनल पे। नेक्स्ट मेरे पास इसमें भी कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स पड़े हुए हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और इसको मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। ये तो सही है, थोड़ा सा ये बड़ी यूज़ किया मैंने, तो इसको तो मैं फिर रखूँगी। नेक्स्ट मेरे पास ये पाउडर पफ है मेकअप स्टूडियो का, काफ़ी अच्छा है ये। एंड अब तो पिज़्ज़ा पफ चल गए, लेकिन मैं अभी इसी पे स्टिक हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है और एक और भी है मेरे पास। नेक्स्ट मैंने ये स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश छोटा वाला लिया था प्राइमर, ये बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है और ये मैं ब्राइट्स पे यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट मुझे ये पीआर में आया था डीकंस्ट्रक्ट का ब्रेकआउट कंट्रोल सीरम, ये भी बहुत अच्छा है, ये मैं खुद ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना ज़रा सा बचा है, बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट मेरे पास एक इस तरीके का है ब्रश जो मुझे बॉम्बे में ही मिला था, तो उससे भी मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कुछ भी ऐसे करना है ब्लश एंड ऑल दैट, तो या मुझे एक टेक्निक हम लोगों ने बॉम्बे में सीखी थी कि कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर को मिक्स करना, तो मुझे ये बहुत सही लगता है। नेक्स्ट मेरे पास मैक के कुछ मिनी फाउंडेशंस हैं, बहुत ही मिनी है, और ये 4x6 में 5-6 थे शेड्स मेरे पास, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और नाउ दिस इज अप फॉर दिस पाउच, और मैं नेक्स्ट पाउच में चलती हूँ, बताती हूँ उसमें मैंने क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट गाइस मेरे पास ये क्रेलॉन की डर्मा कलर पैलेट है, इसमें सुपरा भी आती है जो विंटर्स में काम आती है, डर्मा समर्स में भी आती है, और ये मेरी काफ़ी पुरानी पैलेट है, जब मैंने अपना लाइक मेकअप स्टार्ट किया था तब मैंने ये पैलेट ली थी। एंड ट्रस्ट मी ये अच्छी है, मगर इसको यूज़ करना, इसके जो भी शेड्स हैं वो बहुत थिक होते हैं, तो उसे हमें थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट जो प्रोसीजर है कि कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, इफ़ यू वांट मैं उसका भी अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगी। तो ये अभी मेरी चल रही है, और मेरे फाउंडेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, और बहुत सारे मेरे पास थे तो उनको मैं नहीं शो कर पा रही हूँ, मैंने ऑर्डर किया है, सो वो जैसे आएंगे तो मैं उसका रिव्यू आपको शेयर कर दूँगी, एंड इफ़ यू वांट मैं अलग से जो भी मुझे रिसीव होते जाएंगे तो उसका भी मैं शॉर्ट ज़रूर से बना दूँगी। नेक्स्ट मेरे पास ये एक पाउच है, ओके, और इसमें सारे मेरे प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेज हैं, एंड एटलेस ब्रशेज आई एम हैविंग, मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज हैं, आप देख सकते हैं कि इतने सारे हैं, और अराउंड लाइक आईज के तो एन नंबर के हैं, और फेस के भी, और मेरे पास एक ही लाइक अगर मेरे पास फाउंडेशन ब्रश है तो वो अलग अलग ब्रांड्स के 2 से 3 हैं, इस तरीके से हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। और मोस्टली मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ब्रांड्स कौन कौन से हैं, सो मेरे पास प्रोआर्ट के हैं, PSC के हैं, फिनिशेस के हैं, ब्लूम के हैं, ईबा के भी हैं जो इतने वो प्रोफेशनल तो खैर नहीं है, वेगा के हैं, और ओरिफ्लेम के हैं, एंड बहुत सारे हैं। और मुझे मतलब मैं अगर बोलूँ तो मुझे PSC के अच्छे लगे, एंड मेकअप स्टूडियो के भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं,
एंड मुझे ब्यूटी डिशेस के बहुत अच्छे लगे हैं, ये मैंने लिया था। सो मेरे साथ मिक्स एंड मैच है। सो इफ़ यू वांट तो मैं इसका अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगी कि कौन से ब्रशेस कैसे यूज़ हो सकते हैं, किस ब्रश का क्या नेम है और किस ब्रांड के मेरे पास। तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट करिएगा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि PSC का मेरे पास एक और पाउडर पफ भी है और मेरे पास ये कुछ सैनिफे के फेस रेजर्स हैं जिनका काम पड़ता है, एंड अगेन मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर्स भी। इसके साथ साथ मैंने अभी जल्दी ही इतने ये ऑर्डर किए थे, सॉरी नॉट ऑर्डर किए थे, मुझे ये मिले थे, ये मुझे इतना के मिले थे, ये काफ़ी अच्छे हैं। सो ये इतने सारे मुझे मिल गए हैं पाउडर के एंड ऑल दैट, ये मिनी वाला बहुत अच्छा है। सो ये सारे भी हैं। सो अभी मुझे ब्रशेस को अभी क्लीन करना है और वॉश करना है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा था, लेकिन अभी आपको शो करेंगे तो मैंने इसमें फाइनली रख लिया है, तो वो मैं करूँगी। नेक्स्ट मेरी वैनिटी में ये आपको मिरर मिल जाएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो ये भी मेरे पास है। एंड नेक्स्ट मैं आपको शो करती हूँ, मेरे पास ये गुड वाइब से पाउच आया था, ये इसमें क्या है। ओके, इसमें जो है मैंने लैशेस रखी हुई हैं और ब्राइडल और पार्टी की, सो इसमें यही मैंने रखा है और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि और कैसा क्या है मेरे पास। फिर ये कि पाउच आता है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, इसमें मैंने हाइलाइटर और आईब्रो पैलेट और अपना लाइक ब्लशर पैलेट भी, ब्रॉन्जर पैलेट, ये सारी रखी हुई हैं। तो आई विल शो यू क्विकली, ये मेरी फेसेस कनाडा की है, काफ़ी ठीक ठाक है और इसकी ये एज मुझसे एक बार एक्सीडेंटली गिर गई थी, तो इसका ब्लशर और हाइलाइटर दोनों ही टूट गया, तो मुझे फेंकना पड़ गया था। सो अभी इसका लकीली कंट्रोल चल रहा है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था, मेकअप स्टूडियो की है, हाइलाइटर ब्रश ऑन पैलेट, तो यूज़ करते हैं, रिजल्ट सही है। बट द थिंग इज कि आपको क्रीम के ऊपर अगर पाउडर से सेट करना हो तो ये काफ़ी अच्छा है, और ऐसे अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो भी ये पैलेट आपको दे देंगे। इसमें सब कुछ है, कॉन्टोर भी है और ब्रश भी है, ठीक है। और इसका EP007 है नंबर, और इसको मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो शूट की है, तो आप वहाँ पे मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये हाइपर रियल ग्लो की मैक की मेरी हाइलाइटर पैलेट, और ये काफ़ी अच्छी है स्किन टोन पे, इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। ये मेरी फेवरेट पैलेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में ली थी और अभी भी ये बची हुई है। मैंने मैक का भी शो किया था, वीडियो बनाया था जिसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे मैक के, तो उसमें मैंने ये शूट किया हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास PSC का ये बेक्ड हाइलाइटर है, इसका रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा फिनिश देता है। और अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वन स्वाइप पे यू कैन सी द शाइन, अमेजिंग। नेक्स्ट मुझे ये हेयर स्टी ब्यूटी का हांगकांग का ब्रांड है, इसका भी हाइलाइटर है, ये भी बहुत अच्छा है, इसके भी मैंने रिव्यूज शेयर किए हैं। फिर मेरे पास ये मिस क्लियर की आईब्रो पैलेट है जिसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है, मैं अपने ऊपर तो करती नहीं हूँ बिकॉज इतनी नेचुरल है, क्लाइंट पे ही करती हूँ, वो भी उनको नेचुरल चाहिए होती है, तो वो मेरी आई शेडो पैलेट से ही हो जाता है, बट आई एम हैविंग, सो मेरे पास ये है, चल रही है अभी, सो मैं बाद में बैक करूँगी आपको, मैं जल्दी से शो कर देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा एक ये पाउच है, ये सारा आइस का है, इसमें मैंने क्या रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसको ओपन करते हैं, मेरा ऑल टाइम फेवरेट मैजिक एक्सटेंशन मैक का मस्कारा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी भी ये मेरा चल रहा है। कुछ कलर्ड लाइनर्स हैं मेरे पास, ओके, और मेरे पास कलर्ड काजल्स भी हैं बहुत सारे, तो ब्लैक भी है और भी बहुत सारे अभी निकलेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे पास ये शुगर की मुझे मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी, ये आई पेंसिल है गोल्डन कलर की, काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो ये है मेरे पास मार्स की, मैंने ग्लिटर आई शेडो पैलेट का ऑलरेडी पोस्ट किया था, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, सो इसे मैंने लुक भी क्रिएट किया है अपना, तो ये हो गई। फिर एक और आई पेंसिल हो गई, ये ये स्विस ब्यूटी की मैंने मंगाई थी ब्राइडल आई लैशेस, ये है मेरे पास। देन ईपा का आई लाइनर है लिक्विड, एंड आई लैश कलर ये फ्रॉम वेगा, एंड नेक्स्ट मैंने एक छोटा सा ये डिब्बी रखी हुई है कुछ भी स्टोर करने के लिए, या कभी नोज पिन या कुछ भी है फ्रेंड की, तो मैं उसको रख देती हूँ, फिर उन्हें वापस कर देती हूँ। ये कुछ मिनी ब्रशेज हैं जिसकी मुझे नीड पड़ती है, वो मैंने रखे हैं, सम दीज आर लाइक कॉटन बर्ड्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है,
वाइट काजल बहुत ट्रेंड में है, स्मॉल सीजर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये मिस लेयर का टू वे जेल है जिसका काम बहुत कम पड़ता है, बट ये आई एम हैविंग मेरे पास। फिर कुछ ये फॉरएवर 52 के ये सिल्वर फ्लेक्स हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने एक ब्राइट भी यूज़ किया था। फिर मेरे पास इन कलर कॉस्मेटिक्स का फॉरएवर 52 का जेल लाइनर भी है, एंड अगेन मेरे पास ये शुगर का शार्पनर है। नेक्स्ट मेरे पास मेकअप स्टूडियो का आईलैश ग्लू है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये लिक्विड आई शेडो है, ये काफ़ी पिगमेंटेड है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसका वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी अलग से। नेक्स्ट मेरे पास ये टेप है टीका फिनॉल के लिए, मुझे ये ग्लू और मिला था। और मेरे पास कुछ इस तरीके के मस्कारा ब्रशेज है, क्योंकि मैं मस्कारा हमेशा आईज़ के इन्फेक्शन के डर से या हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा मस्कारा इसी ब्रश से अप्लाई करती हूँ फ्रॉम मैक, और मेरे पास काफ़ी हैं तो मैं थोड़े दो तीन लेके चलती हूँ हमेशा। एंड मेरे पास ये भी फॉरएवर 52 का क्रीम काजल है, एंड मेरे पास ये PSC के प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, बट आई एम हैप्पी विद दीज टू शेड्स बट नॉट विद द वाइट वन, वो बहुत बेकार था, बिल्कुल ख़राब हो गया था और उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो मेरे इस पाउच में ये था। नेक्स्ट मेरे पास ये पाउच आता है, इसमें आती हैं सारी लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस, लिप लाइनर्स, एंड मेरे पास करंटली लिप लाइनर अभी एक ही बचा हुआ है मैक का, जिसका मैं रिव्यू भी पोस्ट कर चुकी हूँ। एंड मेरे पास ये लिप ग्लॉस है, ये मैक से मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा है। ईबागम भी है मेरे पास, ये क्लियर ग्लॉस है, ये थोड़ा सा लिप प्लम्पर है, बहुत अच्छा है। एंड लिपस्टिक्स मेरे पास काफ़ी हैं, न्यूड भी हैं और लिक्विड भी हैं, मैट भी हैं, बहुत सारी हैं। एंड मैंने ये लिप बाम भी रखा हुआ है इन द फ्लेवर अल्बांजो, ये फ्रॉम ईबा, एंड लिप एंड चीक टिंट भी है मेरे पास, और ये सारी लिपस्टिक्स हैं। सो करंटली लिपस्टिक्स का मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बोल्ड और न्यूड लिप्स को शो, लिपस्टिक्स अपनी शो की हैं, तो आप वहाँ से चेक कर लोगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो काफ़ी हैं, और मैं कलर थ्योरी पढ़ने के बाद तो ये कि हम बना सकते हैं अपने शेड्स, तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। ये मैंने एक स्पॉन्ज रखा हुआ है, थोड़ा सा अगर लिप एंड चीक टिंट बहुत नेचुरल लुक देना होता है तो मैं इससे कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा है ये भी टेक्निक। और अब हम आते हैं, देखते हैं हमारी वैलेटी में और क्या क्या, क्योंकि मेन मैंने आई शेडो तो अभी तक आपको शो ही नहीं की है, वो मैंने आगे चेन में करके रखी है, तो वो मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, अब मैं आपको शो करती हूँ कि और क्या क्या है। तो मेरे पास ये वाइप्स हैं, ये मीमी की वाइप्स हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं, और मैं अपने ब्रशेस को क्लीन करती रहती हूँ साइमल्टेनियसली, मैं एक बार ही करती हूँ ब्लेंड, तो भी मैं क्लीन करती हूँ जब दूसरा शेड उठाना हो, यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद, तो मैं हमेशा वाइप्स करती हूँ उससे मैं करती हूँ, और कुछ भी ऐसा लगता है मुझे फेस को तो मैं क्लीन करती हूँ। अगेन मेरे पास ये क्लेंजिंग टॉवल्स हैं, ये भी काफ़ी अमेजिंग है और इसमें काफ़ी अच्छे से ये वेट रहती हैं, तो इसे भी मैं प्रोडक्ट्स वगैरह क्लीन करती हूँ और मैं रेगुलरली वॉश भी करती हूँ क्योंकि बैक्टीरिया बिल्ड हो जाते हैं गाइस। सो आजकल तो ऑफ सीजन है तो मैं अपने ऊपर ही मेकअप ट्राई करती हूँ, लेकिन तभी मैं क्लीनलीनेस मेंटेन रखती हूँ। नेक्स्ट मेरी लाइक ड्रीम पैलेट जो है वो है मेरी मॉर्फी की जेम्स चार्ल्स पैलेट, ये मेरी फेवरेट है, इसमें सारे कलर्स हैं, बहुत पिगमेंटेड है, इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने मेकअप आर्टिस्ट्री में कदम रखते ही इस पैलेट को परचेज कर लिया था। अगेन जब मैं बॉम्बे गई थी तो मुझे थोड़ा सा और लगा कि मुझे कुछ शेड्स ले लेने चाहिए, तो मैंने ये बी परफेक्ट कॉस्मेटिक्स की कार्निवल 3rd एडिशन लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके फॉल आउट्स भी नहीं होते, लेकिन जेम्स चार्ल्स की जो है वो तो आई थिंक हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को नीड है, चाहे इसकी छोटी चाहे बड़ी, वो लेके ही रखते, मैंने बड़ी ले रखी है। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कलर्स में डिफरेंस है, तो मुझे क्लियरली आता, मुझे जेम्स चार्ल्स की पैलेट का याद था, तो मैंने इसीलिए ये वाली ली है। और मेरे पास अनलकीली कोई भी छोटी पैलेट नहीं है और मैंने अभी तक इन्वेस्ट भी नहीं किया है, बिकॉज मेकअप की भी एक्सपायरी लाइफ होती है, तो मुझे लगता है कि पहले मैं इसे यूज़ कर लूँ अपने और अपने क्लाइंट्स के ऊपर, फिर मैं लूँगी। सो अब हम मिलते हैं पार्ट 2nd में, जो मैं कल आपको अपलोड करूंगी आप सबके लिए, मैं शूट कर लेती हूँ उसको, तो जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि मैं एक अलग से बैग लेके चलती हूँ हेयर्स के लिए, उसमें मैं क्या क्या रखती हूँ, कौन सी हेयर एक्सेसरीज है मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मैं क्या सामान लेके चलती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा जेन्यून लगा होगा, मैंने पर्सनली जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो सारे मैंने आपसे शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस लॉन्ग वीडियो एंड शावरिंग योर लव, एंड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज, एंड ऑल्सो फॉर पार्ट 2, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल।